आज का वीडियो बेस्ड है प्लांट एनाटॉमी के ऊपर। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज पी प्रोटीन किसका घटक है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पी प्रोटीन है क्या। तो पी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो फ्लोएम, इसका मतलब पी प्रोटीन किस में पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है। और इस पी प्रोटीन का आपको रोल बता दूं, इसके दो रोल होते हैं, घावों को भरना, घावों को भरना मतलब इसका मुख्य कार्य वाउंड हीलिंग, और दूसरा इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड। क्योंकि ये फ्लोएम का भाग है इसलिए इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड। तो इसके दो काम है, एक तो कंडक्शन ऑफ फूड और दूसरा सीलिंग ऑफ वाउंड, घावों को भरना। अब देखते हैं पी प्रोटीन किसका घटक है। तो ये तो तय हो गया कि ये फ्लोएम का घटक है। तो चालिनी नली का तत्व, सी ट्यूब एलिमेंट, झाइलम पेरिनकाइमा, पेरिनकाइमा और पेरिसाइकल, परिरम मतलब कि पेरिसाइकल। तो क्लियर है किसका है, तो आंसर क्या होना चाहिए, चालिनी नली का तत्व, सीव ट्यूब एलिमेंट। बिकॉज हम जानते हैं कि सीव ट्यूब एलिमेंट किसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है। आंसर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट। तो ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, फ्लोएम पेरिनकाइमा। हम सभी जानते हैं कि फ्लोएम के चार भाग होते हैं। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट होते हैं, फोर कंपोनेंट, ठीक है। एक जो होता है वो कौन सा है, सीव ट्यूब एलिमेंट, चालिनी नली का तत्व, सेकंड सहकोशिका यानी कि कंपेनियन सेल, थर्ड दैट इज फ्लोएम मृदुतक यानी कि फ्लोएम पेरिनकाइमा, और फोर्थ है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम पेरिनकाइमा किसमें नहीं होता, ये क्वेश्चन है कि ये फ्लोएम मृदुतक यानी कि फ्लोएम पेरिनकाइमा किसमें नहीं होता है। तो आपको एक चीज बहुत खास बता दूं, किसी भी मोनोकोट के अंदर, किसी भी मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या नहीं होता है, फ्लोएम पेरिनकाइमा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो आपको चार ऑप्शन में से सब जगह पे डाइकोट दिख रहा है, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको मोनोकोट स्टेम दिख रहा है। तो साफ है कि फ्लोएम पेरिनकाइमा कभी भी मोनोकोट स्टेम में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, किसकी वाहिनिकाओं में सबसे ज्यादा बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जो ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं वाहिनिकाएं। तो ये जो ट्रैकेट्स होते हैं ना, इनके अंदर हमेशा ध्यान रखो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, जिनको कि बोलते हैं परिवेशित गर्त। देखो पिट्स दो तरीके के होते हैं, गर्त दो तरीके के होते हैं, सरल गर्त और परिवेशित गर्त। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रैकेट्स होती है उसके अंदर बॉर्डर पिट्स ज्यादा होते हैं। और ये ट्रैकेट्स का पाया जाना ये किसमें, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह के अंदर केवल और केवल क्या होती है, ट्रैकेट्स ही होती है ना। देखो एंजियोस्पर्म की क्या विशेषता होती है कि उनके अंदर वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होती, केवल क्या होती है, ट्रैकेट्स होती है। और ट्रैकेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर पिट्स। तो किसकी वाहिनिकाओं में सबसे ज्यादा बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं, तो आपको चूज करना है मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन, टेलोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म। तो अभी जस्ट मैंने कहा है सबसे ज्यादा जो बॉर्डर पिट्स है वो किसमें होते हैं, जिम्नोस्पर्म में। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो क्या हो गया, डी। ओके नाउ अभी आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, नाशपति के खाने योग्य भाग में कड़कड़ाहट क्यों होती है। तो आपको मैं बता दूं, पियर फ्रूट जो होता है राइट, नाशपति का जो फल है पियर फ्रूट, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल सेल्स होती है जिनका नाम है ब्रेकाई स्क्लेरिट्स, ब्रेकाई स्क्लेरिट्स। इनको आप स्टोन सेल्स भी कह सकते हो, इनको आप ग्रिट सेल्स भी कह सकते हो, और ये फ्रूट को क्या बना देते हैं, क्रिस्पी बना देते हैं। मतलब आप नाशपति के फल को और एप्पल को खाएंगे तो क्या फर्क है, नाशपति के फल को खाने पर चरचर की आवाज आती है, कड़कड़ाहट, ग्रिटीनेस होता है, और एप्पल के अंदर वो ग्रिटीनेस नहीं होता है। उसका कारण है कि नाशपति के फल के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोन सेल्स पाई जाती है, ब्रेकाई स्क्लेट्स या ग्रिट सेल्स पाए जाते हैं। देखते आइए
नाशपाती की खाली के बाद में कड़कड़ाहट क्यों होती है, क्रिस्पीनेस क्यों होती है, ग्रिटीनेस क्यों होती है, मैक्रोस्केलेट, मालपिगी सेल, ब्रेकाइस्केलेट या ऑस्टियोस्केलेट? तो आंसर इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है, दैट इज सी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सरल यांत्रिक उत्तक मतलब सिंपल मैकेनिकल टिश्यू जिसमें लिग्निन का क्या होता है भाव, नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जो आप ये टिश्यू देखते हो वो मैकेनिकल टिश्यू जितने भी होते हैं वो डेड होते हैं और उनके ऊपर लिग्निन पाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू की बात करूं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू मतलब कि जीवित यांत्रिक उत्तक की मैं बात करूं, तो जीवित यांत्रिक उत्तक का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो क्या चीज है, कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा को हम बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, राइट? ये एक ऐसा उत्तक है जो मैकेनिकल तो है लेकिन साथ में क्या है, लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन क्या होता है, एब्सेंट होता है। केवल क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टोसेल्यूलोज होता है। तो पेक्टोसेल्यूलोज प्रेजेंट लेकिन लिग्निन क्या होता है, एब्सेंट। जबकि सारे मैकेनिकल टिश्यू के अंदर क्या होता है, लिग्निन। इसका मतलब साफ है कि ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। तो एक सरल यांत्रिक उत्तक जिसमें लिग्निन का अभाव होता है, तो ये साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी स्थूल कोण उत्तक, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, कोलेनकाइमा, उसमें लिग्निन नहीं होता और ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, क्लियर? सो ये हमारा जो वीडियो था वो प्लांट एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको सेव कर पाएं।